दोस्तों ग्राफिक कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि ग्राफिक कार्ड की स्पीड क्या होती है और ये किस तरह काम करते हैं, आखिर इनमें कितने आपको गीगाहर्ट्ज़ का लेना चाहिए या फिर इसकी कितना मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड होनी चाहिए या फिर ये कौन सी जनरेशन का होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक कार्ड होता क्या है। ग्राफिक कार्ड आपके कंप्यूटर में या फिर आपके जो मोबाइल डिवाइस होते हैं उसमें लगने वाला एक हार्डवेयर होता है, यानी कि एक ऐसा अलग जो आपके सीपीयू होता है उसी की तरह इसमें साइज होती है, इसकी अंदर इनबिल्ट इसकी स्टोरेज होती है, रैम होती है, प्रोसेसर होता है। ये जो आपकी जो इमेज क्वालिटी है उसमें ये ग्राफिक्स का काम करता है, यानी कि मान लो आपके पास कोई इमेज है, इसमें अगर आप इसमें ग्राफिक्स देना चाहते हैं तो आपको इसमें बेहतर ग्राफिक कार्ड की जरूरत होगी, या फिर कोई आप अच्छा गेम खेलना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर ग्राफिक की जरूरत होगी। क्योंकि अगर आपके ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं है तो आपको जो आपकी डिस्प्ले में जितनी पिक्चर शो होगी उसकी आपको अगर 60 फ्रेम प्रति सेकंड हिसाब से डिस्प्ले हो रही है तो वो भी ग्राफिक कार्ड का काम होता है कि आपको एक सेकंड में 60 फ्रेम दिखाए और साथ ही साथ उनकी क्वालिटी भी मेंटेन करें, ये होता है ग्राफिक कार्ड का काम। अब बात करते हैं कि स्पीड किस पर डिपेंड करती है। आपने कई बार देखा होगा ग्राफिक कार्ड होते हैं 1 GB, 2 GB, 8 GB तक, तो आखिर ये क्या होता है। मान लो आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड है जिसमें है आपको सिर्फ 1 GB ही ग्राफिक कार्ड और उसकी स्पीड है 5 DDR5 और उसकी मेगाहर्ट्ज़ है 3000 के समथिंग, और दूसरा जो ग्राफिक कार्ड है उसकी स्टोरेज है 8 GB और जो है सिर्फ 1000 MHz के लगभग। तो अब दोनों में स्पीड देखते हैं किस में ज़्यादा मिली। आप सोचेंगे जिसमें 5 GB स्टोरेज है उसमें आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी और जो 1 GB है उसमें आपको ज़्यादा कम ग्राफिक मिलेगी, मगर ऐसा नहीं होता कि जो 1 GB का ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर जो स्पीड है वो काफ़ी तेज है। ग्राफिक कार्ड का ये काम होता है कि जितने भी आपने तस्वीर खोली उसको उस समय उस ग्राफिक कार्ड में लोड करना और इस स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, चाहे उसकी स्पीड स्लो है तो फिर वो उतनी ज़्यादा स्पीड से पिक्चर शो नहीं कर पाएगा, यानी उसकी फ्रेम रेट कम हो जाएगी, पर एक साथ वो कई सारे पिक्चर्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर आप कोई फिल्म चाह रहे हैं उसे आपने बंद कर दिया वो सारा डेटा उस ग्राफिक कार्ड के अंदर स्टोर है, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हैं आपने इस तरफ मूव किया तो उस तरफ का सारा उसके डेटा ग्राफिक कार्ड में स्टोर हो गया, जब आप फिर से उस तरफ घूमते हैं गेम में तो वो हाथों हाथ वो आगा डेटा निकाल सकता है। मगर जो जो 1 GB का मैंने उदाहरण दिया था उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो उसी टाइम में सारे डेटा लोड कर सकता है, यानी उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। यानी कि जो ग्राफिक कार्ड में आपको इसमें स्टोरेज का कोई ज़्यादा डिफेंस नहीं होता, इसका सबसे ज़्यादा मेन डिफेंस होता है इसकी स्पीड का, ये होते हैं ग्राफिक कार्ड। मुझे उम्मीद आपको जो ग्राफिक कार्ड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।